तो पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे 3 इयर रो खो व्याप्ति सारी दिलु एबे गो व्याप्ति आरंभ करिबा। तो चलो वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। तो आमे जदी 11 नंबर क्वेश्चन को देखिबा सेटर कोहा जाई छी आमो को गोटे पद रो प्रथम पद दिया जाई छी साधारण उत्तर बा डी दिया जाई छी ओ एसएन बा समेशन दिया जाई छी आमको पचार पद संख्या पा एन के थे। तो यदि क्वेश्चन को देखा ए हूँ 17 डी हूँ माइनस 2 एस एन जोटा कि जगफल 72 और एन आमको मांगी बाहर करने। तो जमी जानते एस एन रूत्र एस एन हूँ एन बाय 2 ऑल इनटू 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। तो यार जहां आमको जनावि भैल्यू पुट करवा एसएन रोल आमको 72 अच्छी 72 लिखा एन जेहेतु जना नहीं एन जगह एन लिखा ए रोल 17 तेनाली 2 इंटु 17 प्लस एन माइनस 1 इंटु डी आमको जना अच्छे माइनस 2। तो यार एन बाय 2 हो 2 इंटु 17 34 प्लस माइनस 2 इंटु माइनस एन माइनस 2 एन माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। दिस इंप्लाइज 72 जोटा कि एस एन वैल्यू 72 ये वाला इक्वल टू ये लिखिपर एन बाय 2 इंटू 36 माइनस 2n। तो ये दुईटा पद एटी 36 अच्छी एटी 2n अच्छी तेनाली दुईटा दुई मुझे कमन आणुची तेल मत मिल एन बाय 2 इंटु 2 कमन आणली 18 माइनस एन ऊपर टू दल टू गटिगला बर्तमान एटार रहा 72। बर्तमान जदि मुटा को गोटे गुणन कर दूची तेल मत मिल 18n माइनस एन स्क्वायर ये भाया गोटे समीकरण मिल। तो आगो यदि मु कोन करबी एठारे जतकी सब डाहा पट जो पद होची ताको बा पट को नै आसीबी। तो देखिबा दिस इंप्लाइज माइनस एन स्क्वायर तिला बा पट को बढ़िया आसीले प्लस एन स्क्वायर प्लस 18 एन तिला माइनस 18 एन हिजो आ एठारे 72 तिला प्लस 72 रहइबो समान 0। दिस इंप्लाइज एबे गोटे द्विघात समीकरण मिलिगला जेपरि हमें आगो जानि जे द्विघात समीकरण को दुई प्रकार करि परिबा गोटे रूट फार्मूला आ गोटे उत्पादक। तो बर्तमान मुझे उत्पादक जी प्रयोग करी तेल मत देखा पड़ो एमती गोटे दुईट संख्या जार जगफल माइनस 18 एन हूँ और गुणफल 72 एन स्क्वायर। तो जब दुईटा संख्या देख ली तेल मत मिल एन स्क्वायर माइनस 12 एन माइनस 6 एन। तो मुझे माइनस 18 एन को लिखिपरि माइनस 12 एन माइनस 6 एन प्लस 72 समान 0। दिस इंप्लाइज यही दुईटा पद को जोड़ा करुच्ची दुईटा पद को जोड़ा कर। तो यही दुईटा पदर आम एन कमन नहीं पार जी एन कमन नहीं मत मिल एन माइनस 12 एठारे दुईटा पदर माइनस 6 कमन नहीं हम एन माइनस 12 समान 0। दिस इंप्लाइज एन माइनस 12 ऑल इनटू एन माइनस 6 समान 0। दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू 6 और एन इक्वल टू 12। तो एन रैल्यू 6 भी पारे एन रैल्यू 12 भी पारे। तो बर्तमान 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर प्रथम बीट रे क्वेश्चन टी दिया जे एपिले कौन सी तीनो पद जार समि दि जाए 18 और गुणफल दि जाए 192। तो बर्तमान देखा कमी हो तो सूचना जमी दिखाई मन करपिल तीनो पद मन कर एपिरो तीनोटी पद समान कोटे होची ए कोटे ए माइनस डी आ गोटे ए प्लस डी। ताहले से कहिजे पदर जगफल 18 ताहले मु जदी तीनोटी पद को जग करूची मते मिलिबो 18 ताहले दिस इंप्लाई मु लिखि परिबी ए प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 18। ताहले एठारे माइनस डी अच्छी प्लस डी कटिज ए युक्त ए थ्री ए सीम्प्लाइज 3a समान 18
this implies a समान 18 by 3 समान 6 ताहले हमको a मिली वाला 6 वर्तमान आ गुटे कोन कोई जी जे गुणफल 112 रे ताले हम तीनोटी पद गुणन करिबा a गुणन पुनश्च a माइनस t इनटू a प्लस t समान 192 दिस इंप्लाइज ए रहुल हमको जणा छ 6 गुणन 6 माइनस t गुणन 6 प्लस t समान 192 वर्तमान हम कोन करबी मु जानी छी एठा एठी को जे लक्ष्य करबो एठा रे a माइनस b और a प्लस b फॉर्म रे होची तो जहार गुणफल हम जानी छी a माइनस b इनटू a प्लस b केते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एमली सूत्र हम जानी छी a माइनस b कोन a प्लस b समान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एटा अभेद सूत्र ए सूत्र जति एटर प्रयोग करबा तले हमकु मिलिवो 6 into 6 रो स्क्वायर माइनस d रो स्क्वायर समान 192 वर्तमान आगो कोन करबा एटर 6 गुणन हे कि अछि यदि हमें 192 सपोर्ट को नहीं आसीले तले 6 टा हरण हे जो तले मु लिखि परबी 6 रो स्क्वायर 36 माइनस d स्क्वायर समान 192 डिवाइडेड बाय 6 ताले यदि मु 6 को हरण करे ताले एठी होबो 36 18 14 12 दिस इंप्लाइज डिस्कट माइनस अछि मु डिस्कट को सपोर्ट को लेबी ओ 32 को लेफ्ट साइड आनिबी ताले 36 माइनस 32 समान डिस्कट हे परिबो दिस इंप्लाइज 4 इक्वल टू डी स्क्वायर डी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4 जोटा की प्लस माइनस 2 ताले हमको ए मिली गला 6 और डी मिलला प्लस 2 और माइनस 2 यदि डी इक्वल टू जत्ते बड़े ए इक्वल टू 6 और डी इक्वल टू 2 हुए ताले पद मते तीनटा कोन मिलिवो गोटे 6 गोटे 8 आ गोटे 4 यदि ए 6 हला और डी माइनस 2 हला ताले मते कोन मिलिवो यदि a इक्वल टू 6 d इक्वल टू माइनस 2 रहिला ताले मते मिलिवो मजी बदडा 6 होबो आ गोटे होबो 4 माइनस 2 माने गोटे 8 6 4 ताले मते पद तीनटी मिलिला 4 6 8 अथवा 8 6 4 गोटे सानर बड़ क्रम रे अछि आ गोटे बड़ रो सानर क्रम रे अछि तो 12 नंबर सेकंड बिट को हम यदि देखिबा सेटा रे क्वेश्चन दि दिया हिछि गोटे एपी रे थिबा 6 टी पद ओ सेही पद रो प्रांत पद द्वय रो योगफल दिया हिछि 16 ओ मध्य पद द्वय रो गुणफल दिया हिछि 63 जेपर तुमे सूचना रे देखि परु दो सेटा रे कोआ जाइछि मने करिया पई 6 टी राशि को गोटे ए माइनस 5d गोटे ए माइनस 3d गोटे ए माइनस d गोटे ए प्लस d गोटे ए प्लस 3d और गोटे ए प्लस 5d ताले जदि 6 टी पद को देखिबा ताले एठारे प्रांत पद दुइटा होउची गोटे ए माइनस 5d और गोटे ए प्लस 5d और जहार योगफल हमको 16 दिआइ ताले मु लिखि दउची ए माइनस 5d प्लस ए प्लस 5d इक्वल टू 16 यदि सॉल्व कली ताले मते ए एठी मिल जाउची 8 आउ कोन कोई छि मध्य पद तो यदि छोटा पद को देखिबा ई मध्य पद केवल ई दुटा होउछि ओ यार गुणफल दे छि 63 तो यदि गुणन करि दवा ताले जे परि हम जान छि a माइनस b इनटू a प्लस b यार सूत्र होउछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तण कर हम ई सूत्र दि एठार पकेई दवा ताले हमको मिलि जइबो d इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो d यदि प्लस माइनस 1 मिलिला ताले हमको a अगर मिलितला 8 और d मिलिला प्लस माइनस 1 यदि d इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 8 हला ताहेले प्रथम छोटी पद होबो 3 5 7 9 11 13 यदि a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू माइनस 11 हला ताहेले पद छोटी होबो 13 11 9 7 5 और 3
तो वर्तमान 13 नंबर को जो लक्ष्य करिबा सेटार प्रश्न टी कहिछि एक समांतर अनुक्रम रे अवस्थित तीनोटी राशि रो जोगफल 16 सॉरी तो वर्तमान 13 नंबर को जो देखिबा सेटार कह जाइछि एक समांतर अनुक्रम रे अवस्थित तीनोटी पद रो जोगफल 21 ओ एई तीनोटी पद रो वर्ग रो जोगफल 155 ताहले पद गुडी को पार करो ताहले हमरे जो जदि कहिछि गोटे एसी रे तीनोटी पद रो समष्टि 21 देइछि ताहले हमें या पूर्वर केमिति करि किले गोटे को धरा हितला ए माइनस टी गोटे को ए ओ गोटे को ए प्लस टी तो मन रखो पिला माने जते बे तीनोटी पद कहि दउछि तुमको एपी रे रहउछि ताहले सब बेले मझी पद को धरिबो ए कोन पे जदि मझी पद को ए धरिलो ताहले पच पद को आसे पे तुमको डी माइनस करिया पे पडिबो ओ आगो पद को जीवा पे तुमको गोटे टी प्लस करिया पे पडिबो तो स्टार्ट करिबा मन करा जाउ पद त्रय तीनोटी पद ए माइनस डी ए ओ ए प्लस डी तीनोटी पद हैला ए माइनस डी ए आउ ए प्लस डी ओ एहारो जोगफल देइछि 21 ताले मु लेखि परिबि ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 21 ताले एठारे माइनस डी प्लस डी कटि जिवो ए युक्त ए 3 ए समान 21 दिस इंप्लाइज ए समान 21 बाय 3 समान 7 ताहले मते ए मिली गला एठारे 7 आउ कोन कहिछि जे एही तीनोटी पदर वर्गर समष्टि 155 तो मु लेखि परिबि ए माइनस डी रो स्क्वायर प्लस ए रो स्क्वायर प्लस ए प्लस डी रो स्क्वायर इक्वल टू 155 किंतु मते एठारे मिलिला ए इक्वल टू 7 तो ए जगह रे वैल्यू पुट कर देबी 7 माइनस टी रो स्क्वायर प्लस 7 रो स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी रो स्क्वायर टोटल की 155 तो अभितर हम गोटे सूत्र जानिचे सूत्र टी होची यदि ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी रो होल स्क्वायर यदि हमको दे दो ताने ता जोगफल ता सब बड़े कहते हुए या जोगफल ता हुए 2 इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वर्तमान एटी ए माइनस बी होची 7 माइनस डी रो होल स्क्वायर ओ ए प्लस बी होची 7 प्लस डी रो होल स्क्वायर तो ई दुटा को पाको को आनिबी तो मु लिखि परिबी 7 माइनस डी रो स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी रो स्क्वायर समान 155 ओ एठारे जो प्लस टा अछि सेटा बात डाउन साइड बोले कोन हि जो माइनस हि जो 50 तो वर्तमान एटी लिखि परिबी ए माइनस डी रो होल स्क्वायर 7 माइनस डी रो होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी रो होल स्क्वायर जोटा कि सूत्र मु जानि 2 * ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ताले एठारे ए होउछि 7 ओ बी होउछि डी ताले 2 * 7 रो स्क्वायर प्लस डी रो स्क्वायर समान 106 तो दिस इंप्लाइज दुईटा या गुण नै किछि सपडे गले हरण नै जीवो तो मु लिखि परिबि 50 प्लस डी स्क्वायर समान 106 डिवाइडेड बाय 2 जोटा कि कटि गले 53 यू दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर इक्वल टू 53 माइनस 49 इक्वल टू 4 दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 4 जोटा कि प्लस माइनस 2 ताहले मते ए मिली गला 7 और डी मिल गला प्लस माइनस 2 तो वर्तमान पद तीनटा देखिबा यदि ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू 2 हुए ताहले पद तीनटा कोन हो ए माइनस टी 7 माइनस 2 5 ए जोटा की 7 और ए प्लस टी जोटा की 9 हो यदि ए इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू माइनस 2 हुए ताहले मु लिखि परिबि ए माइनस टी टा 9 हि जीवो एटा 7 ओ ए प्लस टी टा 5 तो पदत्रय मते मिलिबो 5 7 9 अथवा 9 7 ओ 5 तो हम जदी 14 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य करिबा एठार कह जाई छी
ଯେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣରେ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ ସମାନ୍ତର ଅନୁକ୍ରମରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ 3:4:5 ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯଦି ତିନୋଟି ପଦ ଏପିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏପିର ତିନୋଟି ପଦକୁ ଧରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏ ମାଇନସ୍ ଡି, ଗୋଟିଏ ଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତିନୋଟି ପଦକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ପଦ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପଚାରିବ ପଦ ଯେମିତି ତିନୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ସାତଟି, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମଝି ପଦକୁ ଧରିବ ଏ। ଯଦି ମଝି ପଦଟା ଏ ହେଉଛି ତା ପୂର୍ବ ପଦ କେତେ ହବ ଏ ମାଇନସ୍ ଡି ଓ ପର ପଦଟା ହବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ମନେ କରାଯାଉ ଏପିରେ ଥିବା ବାହୁତ୍ରୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ମାଇନସ୍ ଡି, ଏ ଓ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତିନୋଟି ପଦକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ତାହେଲେ ଏଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପଦ ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମବାହୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟାକୁ ଏଚ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଚ୍ କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରାଯାଉ ପି ହେଉଛି ଏ ମାଇନସ୍ ଡି, ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବାହୁଟା ବଳିଲା ବି ବା ସେଟା ଭୂମି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଏ। ଆଉ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ। ଆଉ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ କଣ କୁହେ, ଯେ ନମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର, ଏଟା ହଉଛି ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଠାରେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଥିଓରମ ଟି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ମାଇନସ୍ ଡି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ ବା କର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଦି ସିମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏଠାରେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପଡିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ad ପ୍ଲସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ad ପ୍ଲସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର। ମୁଁ ସବୁ ପଦକୁ ବାଁ ସାଇଡ୍ ଯଦି ନେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମିଳିବ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ad ପ୍ଲସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ad ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ 2ad ମାଇନସ୍ 2ad ସରି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର କଟିଯିବ, ଏଠାରେ ରହିବ ମାଇନସ୍ 4ad ମାଇନସ୍ 4ad, ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ ଏ ସ୍କୋୟାର ସମାନ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4ad। ଦି ସିମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଏ ବସ୍ ସାଇଡ୍ କଟିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ 4ad। ଯଦି ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4ad ତାହେଲେ ମୁଁ ତିନିଟା ଭାଉ କଣ ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ମାଇନସ୍ ଡି, ଗୋଟେ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି। ଯଦି ଏ 4ad ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ ଡି ହେଇପାରିବ 4ad ମାଇନସ୍ ଡି ସମାନ 3ad, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡି ହେଇପାରିବ 4ad ପ୍ଲସ୍ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5ad। ତାହେଲେ ମୋତେ ତିନୋଟି ଭାଉ କଣ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ମିଳିଲା 3ad, ଗୋଟେ 4ad, ଗୋଟେ 5ad। ତ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁପାତ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 3ad ଅନୁପାତ 4ଡି ଅନୁପାତ 5ଡି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତିନୋଟିରେ ଯଦି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଡି ଟି ତିନୋଟିର କମନ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡି କୁ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ହରଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଉପର ଡି ତଳ ଡି ସବୁ ଜାଗାରେ କଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଅନୁପାତ କେତେ ମିଳିବ 3:4:5 ଯୋଉଟା କି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରୁଫ୍ଟ। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଅଛି 100ରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, 100 / 5 ସମାନ 20ଟି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି 100ଟାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ତା ମାନେ ଆମେ 100 କୁ ହିସାବ ନବା ନାହିଁ, ଆଉ ଶେଷ ପଦ କେତେ ବାହାରିବ ଆମର 95 ଯୋଉଟା କି ଏଲ।
যদি এল পঞ্চানব্বই হয়েছি তাহলে আমার পদ সংখ্যা কত হয়ে যাব কোড়ি মাইনাস ওয়ান কোণ পাই আমি শহেটা হিসাব করি মানে তাহলে বর্তমানে আমাকে মিলে যাব এন ইকুয়াল টু উনিশ ও আমি যদি পাঁচ র গুণিতক গুড়ি দেখিবা প্রথম সংখ্যা হব পাঁচ তারপরে দশ পনেরো এমতি গোটে অনুক্রম আমাকে মিলিব ও যেটা কি এপ্রিল রহব তেণু এই অনুক্রমর এ বা প্রথম পদ হচ্ছে পাঁচ ডি যদি দেখিবা টি টু মাইনাস টি ওয়ান কিংবা টি থ্রি মাইনাস টি টু যেটা কি পাঁচ হচ্ছে ও এন বাহারা আমার উনিশ তো এবার যদি এসএন র সূত্র পকাইবা তাহলে এস উনিশ হয়ে যাব নশো পচাশ।